अरे होकर बोलो माता बिगल कल्याण होना से है माता गुरु बिगल कल्याण होना हाँ माता माता ही बच्चों को ज्ञान देती है यहाँ पर माता गुरु बिगल कल्याण होना से दिखाया लेकिन आपका नाम कल्याण का है आपको पता नहीं है कि अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया है बाप दादा ने विजयमाला का आवाहन करो क्यों क्योंकि बाप कल्याणकारी नहीं है जब तक उसके साथ माता नहीं है साथ में माता होगी तो बाप भी कल्याण करेगा क्योंकि बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने नहीं आया है इसलिए माता गुरु जरूर चाहिए किस बात में गुरु ऐसी कौन सी बात है जो पुरुष नहीं कर सकता स्त्रियां कर सकती हैं माताएं कर सकती हैं पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहा है सब पुरुष इसका मतलब है पवित्रता के ऊपर विजय पुरुष नहीं पा सकते माताएं अगर अपनी पर आ जाएं तो पवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है इसलिए जहां तक पवित्रता की बात है सब पुरुषों दुर्योधन दुशासनों को माताओं को अपना गुरु बनाना पड़े अगर पवित्र बनना चाहते हैं तो अगर माता को गुरु बनाएंगे पवित्रता के मामले में जैसे माता कहे वैसे चलो तो पवित्र बनेंगे अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे माता गुरु की बात को ठुकराएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको पवित्र बना सके प्रैक्टिकल में गुरु चाहिए पवित्र बनने के लिए नहीं तो परम धाम जा नहीं सकते सुखधाम जा नहीं सकते ऐसा नियम है ईश्वरीय जिन कन्याओं माताओं को पुरुषों ने गिराया है उन्हीं कन्याओं माताओं को उठाने के निमित्त बनाना पड़े वो कन्याएं माताएं निमित्त बनती हैं पुरुषों को ऊपर उठाने के लिए माता गुरु बनाना पड़े माता गुरु बिगड़ उद्धार हो न सके